यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में हर कैपिटल में डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और खासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में ये हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफी दिनों के लिए चलेगा। हर दिन हम यही देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, एक तरफ गैस के बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के बढ़ रहे हैं, केरोसिन के तो बढ़ गए हैं, तो हर चीज के बढ़ रहे हैं और इसका परिणाम क्या हो रहा है, आवश्यक वस्तुओं पर भी हो रहा है। तो इसीलिए हम थ्रू आउट कंट्री प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में फिर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग क्या है कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की मांग क्या है? जो कांग्रेस पार्टी के सरकार के दौरान या यूपीए सरकार के दौरान जो कीमतें थी, डीजल की हो, पेट्रोल की हो, एलपीजी की हो, वहां तक लाना।